ये मेरा देश है, सारे देशवासी मेरे भाई बहन हैं। 15 अगस्त पर स्कूल में यही स्पीच दी थी, सुनकर मम्मी पापा टीचर सब बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज यहाँ उनमें से कोई नहीं है जो मुझे बचा सके। गलती मेरी ही थी, मैंने ही जो अपनों पे भरोसा किया था। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि आज की इस मतलबी दुनिया में अगर कहीं मासूमियत बची है तो वो सिर्फ बच्चों में बची है, लेकिन ये मंजर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। 12-13 साल की कच्ची उम्र की लड़कियां अपनी ही एक उम्र की लड़की को दफना रही थी। क्या इन लड़कियों ने ही उसे मारा था? ऐसा कदम इन लड़कियों ने किसी सामान्य परिस्थिति में तो नहीं उठाया होगा। क्या मरने वाली लड़की ने कुछ असामान्य किया था? और आखिरकार इस असामान्य परिस्थिति की वजह क्या थी? हैप्पी बर्थडे खुशी। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, तुम्हारा एकदम फेवरेट गिफ्ट। को आग बंद करके खोलना, चलो आग बंद करो। हाँ खोलो। दादू हम बाद में खोल लेंगे। मम्मी पापा का याद आ रहा है? याद तो आ रहा है दादू, मगर उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। हमें कैसे खिलाते थे, हमें प्यार से क्या बुलाते थे। कोशिश तो की है मगर याद नहीं आया। नमस्कार जगमोहन जी, क्या हाल है? तूने पोती का जन्मदिन है आज? ए बेटा इधर आओ, देखो कितना बढ़िया गिफ्ट लाए तुम्हारे लिए। ले लो, देखो देखो, ले लो बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। ए बेटा जाओ अंदर जाओ, जाओ। और आप कहाँ आए यहाँ? आपका ऑटोग्राफ लेने। आप हमारे लिए कोनो फिल्म स्टार से कम थोड़े हैं। ए जगमोहन जी, आज बहुत शुभ दिन है, मान लीजिए हमारी बात, साइन कर दीजिए ना। सिन्हा जी, हम कितनी बार आपसे कह चुके हैं कि हम ये घर नहीं बेचें। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमारे महान नेताओं ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। मधु, श्रेया कहाँ है? मैंने तो उसे सुबह क्लास में देखा था। पता नहीं मैडम, ब्रेक के बाद दिखी ही नहीं। दिखी नहीं का मतलब? बंसी। हाँ मैडम। अच्छा तुमने 9th स्टैंडर्ड की श्रेया मिश्रा को स्कूल में देखा है? नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा। अच्छा एक काम करो, स्कूल के ग्राउंड में और पूरे स्कूल में चेक करो, अगर वो कहीं दिखती है तो प्लीज मुझे बता देना। जी मैम। पीछे हो जाइए, पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। सर। हाँ शर्मा। सर प्रेम ऑफिस ही तो लगता है जैसे बच्चे की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। ये देखिए इसके माथे पे चोट का निशान है, लगता है इसका सर यहाँ पे टकराया होगा। शर्मा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस बच्ची के माँ बाप से कांटेक्ट करो। सर, हमने इन्फॉर्म किया है इसके पेरेंट्स को। आप कौन? जी हम प्रजक्ता मंडल, इस स्कूल के प्रिंसिपल। लेकिन श्रेया यहाँ बैक गेट पर करने के आई थी, आपके स्टाफ का भी कहना है कि ये दरवाजा बंद रहता है और स्टूडेंट्स भी यहाँ आते जाते नहीं है।
सर हमें नहीं पता, हम सब इसी बात से हैरान हैं। लेकिन किसी ने तो श्रेया को यहाँ आते हुए बिटिया, हमारी बिटिया क्या होगा? आपकी जिम्मेदारी थी हमारी बच्ची का ख्याल रखने का, इसकी जिम्मेदार आप हैं। प्राजक्ता जी, इस गेट की चाबी जी जिसके पास रहती है या जी जिसके पास आ सकती है, मुझे उन सबसे पूछताछ करनी है। पुलिस श्रेया के कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी और इसी दौरान शहर में एक और चौंकाने वाली घटना घट चुकी थी। साहब, खुशी नाम है हमारी पोती का। कब से गायब? खुशी बेटा कितना सोएगी, उठ जा। खुशी, ए बेटा, खुशी, खुशी, खुशी। आस पड़ोस में सभी जगह देखा साहब, पर कहीं भी नहीं मिली। 14 साल की हो गई हमारी खुशी और आज सुबह से ही गायब। देखो चाचा, ज्यादा तनाव मत लीजिए, गई होगी आपकी पोती किसी सहेली के घर, आ जाएगी शाम। नहीं नहीं साहब, कहा ना, सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। चाचा अभी अपने घर जाओ, अगर आपकी पोती रात तक नहीं लौटी ना तो सुबह बताना हमें। कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारी पोती सुबह से गायब है और आप कह रहे हैं कल ढूंढेंगे? अगर आपकी बेटी होती तो। वही चाचा, ये फिल्मी डायलॉग बाजी यहाँ नहीं करना, इस उम्र में लड़कियों के पैर फिसल जाते हैं। गई होगी अपने किसी आशिक के पास, उसी के पास मिलेगी। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ। श्रेया के कातिल के बारे में कुछ पता चला क्या? दवाई ली तुम? दवाई का छोड़िए, हम क्या कहते हैं, हमें नहीं लगता है पुलिस वालों से कुछ हो पाएगा, हमें किसी बड़े अफसर से बात करना होगा। संभालो अपने आप को। देखो अब हम कुछ भी कर लें, श्रेया तो वापस नहीं आएगी ना। बेहतर यही होगा कि तुम श्रेया को भूल जाओ। सर, श्रेया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक श्रेया की मौत सर पे चोट लगने की वजह से ही हुई थी। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई क्लू? नहीं सर। एक स्कूल जाने वाली बच्ची को उसी के स्कूल में कोई क्यों मारेगा? स्कूल के पीछे वाले गेट की चाबी जिन 4 लोगों के पास थी उनसे बात हुई? सर 3 लोगों से तो बात हो चुकी है, लेकिन चौथे शख्स से बात नहीं हुई। स्कूल का स्वीपर प्रकाश कुमार जिस दिन श्रेया का मर्डर हुआ उसी दिन से गायब है। उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर मैंने फोन ट्रैक किया, उसका फोन भी श्रेया के मर्डर वाले दिन से ही बंद है। शर्मा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिस दिन उस बच्ची श्रेया का मर्डर हुआ उसी दिन से ये स्वीपर प्रकाश भी गायब है। एक काम करो, इस प्रकाश की कुंडली निकलवाओ और अपने खबरियों से बोलो काम पे लग जाए। फाइनली एक सस्पेक्ट तो मिला हमें। सर सस्पेक्ट तो एक और भी है, श्रेया का फादर मिलिंद। कोई खास वजह? श्रेया को ब्रोन का टेस्ट था और इस बीमारी के चलते अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। सर श्रेया कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रह चुकी है। सर इस बीमारी के ट्रीटमेंट में काफी खर्चा आता है। हेलो, आते हैं आप। एक खुशी है लेकिन कुछ नहीं, और अब आए खुशी के दादू। अब खुशी खुश हो गई है ना? देखो बेटा, अब ऐसे ही हम लोग एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। अगर ऐसे ही साथ रहेंगे तो बोर्डिंग स्कूल काहे भेज रहे हो हमें? हमारे यहाँ के सारे दोस्त सबसे दूर हो जाएंगे और हमें आपको छोड़ के नहीं जाना है, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते का। खुशी बेटा, तुमको अपने से दूर करना का हमको अच्छा लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। अब हम बूढ़े हो रहे हैं हाँ, और ठीक से तुम्हारा परवरिश भी नहीं कर पा रहे। दादू हम कुछ नहीं जानते, हम आपको और अपने दोस्तों को छोड़कर ना कहीं नहीं जाएंगे, बता दे रहे हैं। जगमोहन जी, खुशी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन तुम इतना हड़बड़ाए काहे हो?
भगवान करे हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो, लेकिन एक खबर छपी है अखबार में। क्या? ये 13-14 साल की लड़की की एक लाश मिली है। हमारी खुशी नहीं। देखिए साहब, हमें घर जाने दीजिए, हमारा पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है साहब। तुम्हारी भी हो जाएगी अगर सच नहीं बोले तो। मतलब? मतलब 2 लाख रुपए मिले हैं ना तुम्हें हॉस्पिटल से, जो तुमने अपनी बेटी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा कराए थे। हाँ तो? तो जाहिर है तुम्हारी बेटी की मौत से किसे फायदा होगा। मतलब आपका कहना है कि पैसे के लिए हमने अपनी बेटी श्रेया को? हाँ बिल्कुल, आपको पैसे भी मिले और अपनी बेटी की देखभाल और परेशानी से छुटकारा भी मिल गया। साहब हम अपनी बेटी श्रेया से नहीं परेशान थे, हम अपनी गरीबी से परेशान थे। पैसे के अभाव के कारण हम उसका इलाज ठीक से नहीं करा पा रहे थे साहब। अब आपको जो समझना है समझिए, ये तो हमारा दिल ही जानता है कि हमारे लिए हमारी बेटी श्रेया क्या थी। वाह खुशी, तुम तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। दादू ड्राइंग नहीं, ड्राइंग होता है। ठीक है बेटा, जो भी होता है, और बनाती बहुत अच्छा हो। एक तरफ श्रेया मर्डर केस में पुलिस हर मुमकिन एंगल टटोल रही थी और वहीं दूसरी तरफ खुशी मिसिंग केस। खुशी के दादा जगमोहन की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये केस अब तक रजिस्टर नहीं हो पाया था, लेकिन खुशी के दादा ने हिम्मत नहीं हारी और वो अकेले ही अपनी पोती की तलाश में निकल पड़े। 2 महीने गुजर चुके थे लेकिन दोनों ही केसेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। लेकिन इस सबसे दूर मुंबई में एक और ही कहानी घट रही थी। कैसा लगा ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है? बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग। अ रोज फॉर माय ब्यूटीफुल रोज। मेरे लिए? थैंक यू। किस्मत अच्छी है मेरी, अच्छा तुम मुझे मिल गई। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, रहने को इतना अच्छा घर मिल गया। तुम तो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी जॉब की खुशी में लेट्स हैव सम फन। कोलकाता, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी पोती कोलकाता में? हम खुद पता किए हैं साहब। बेटा हम जा कहाँ रहे हैं? चाचा हर हफ्ते ना दर्जनों लड़कियां आती हैं यहाँ पर। पिछले 2 महीने में जितनी भी लड़कियां उठाई गई है ना, सबको पार्सल से पहले एक जगह पर रखा जाता है, वहीं लेके जा रहा हूँ। चलिए गेट कैसे खुला हुआ? अरे बच्ची कहाँ गई? कहाँ है खुशी? खुशी कहाँ है बेटा? चाचा हम पता लगाते हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ ये खुशी है, ये उसकी मम्मी,
ये उसके पापा बेटा, और ये बेटा ये चौथे ना, ये मैं उसके दादू। सच कह रहे हो, कुछ नहीं बना है बेटा। चाचा आप परेशान मत हो बेटा, ये लड़कियों को बेटा यहाँ से कहाँ भेजते हैं बेटा? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और विदेशों में भी। नहीं नहीं अब, लेकिन हाँ, दो दिन पहले जो ये लॉट भेजा गया है ना, ये कोलकाता भेजा है। वाह चाचा, खुद ही पता निकाल लिए। एक काम करो, जासूसी का काम चालू कर दो, अच्छा चलेगा। आप अपना किसी बड़े अधिकारी से हमारा एक बार बात करा सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बात, अरे बोल दिया ना भैया, कोई फायदा नहीं होगा। बड़े साहब के पास में इतना टाइम नहीं है। वैसे तुम्हारी पोती अपनी मर्जी से भागी, ऐसे कोठे पे क्यों पहुंच जाया फिर? ये क्या कह रहे हैं आप भाई? जिस लड़के के साथ वो भागी है ना, उसी ने भेज दिया होगा उसको। अरे कुछ भी कहे जा रहे हैं आप। ए, आवाज नीची रख, समझा? हमें तो लगता है तुम्हारी पोती करेक्टरलेस है। तुम्हारी पोती को कर रहा है आप? साला पुलिस पे हाथ उठाता तो तू पोती के साथ गायब हो जाएगा और 420 के केस में तुझे अंदर डाल दूंगा। दोबारा देखना नहीं था, चट। पुलिस कांस्टेबल ने खुशी के दादा के साथ जो बदसलूकी की थी, उसका वीडियो देखते ही देखते पूरे शहर में वायरल हो गया। हम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है कि हमारी खुशी को ढूंढने में आप हमारी मदद करें। ये उसका फोटो। देखा आपने किस तरह से एक सीनियर सिटीजन सिस्टम के हाथों परेशान हो चुका है। न्यूज़पेपर और टीवी में भी इसका संज्ञान लिया गया। पुलिस पर प्रेशर इस कदर बढ़ा कि खुद पुलिस कमिश्नर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और जिस केस को अब तक रजिस्टर भी नहीं किया गया था, उसे टॉप प्रायोरिटी पर रखकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है सर, पड़ोसी से बात करते हैं। ओके। कोलकाता? जी साहब, बेचारे जगमोहन जी खुशी को ढूंढते हुए रेड लाइट एरिया तक पहुंच गए थे। वहीं जाके उन्हें पता चला कि शायद उसे कलकत्ता भेज दिया गया है। सर, एक पड़ोसी ने बताया कि असलम नाम का एक पिंप है जिसने जगमोहन जी को इन्फॉर्मेशन दी कि खुशी कलकत्ता में है। सर, पता चला है कि सनम बिल्डर्स का जगमोहन जी के साथ झगड़ा चल रहा था। हमको पता है कि मोहल्ले के लोग आपके दबाव में साइन कर दिए, लेकिन हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। दबाव अभी हमने बनाया कहाँ है? जब हम दबाव बनाते हैं ना, तो आदमी दब के पिचक जाता। दबाव नहीं, प्यार से बोल रहे हैं, साइन कीजिए। दोबारा जब आइएगा तो कुछ भारी धमकी सोच के आइएगा। हमारा फैसला तब भी नहीं बदलेगा, हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। और इसी वजह से सनम बिल्डर्स का यहाँ न्यू रेजिडेंसी बनाने का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। मिलस बिल्डर्स, और तुम असलम से बात करो, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। सर। हाय करिश्मा। हाय। आई नो यू डोंट लाइक मी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मकान मालिक की बेटी हूँ? ऐसा कुछ नहीं है स्मृति। हाय नीला। हाउ हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम। हां यस। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यस, शी इज माय डार्लिंग फ्रेंड, है ना? वैसे नीलम, ये तो करिश्मा का टॉप है ना? हम तो सब कुछ शेयर करते हैं। ओह रियली? वैसे करिश्मा, तुम्हारी शादी कौन सी तारीख पर फिक्स हुई है? तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता है। ए दरोगा बाबू, हम यहाँ के इज्जतदार बिल्डर हैं, ठीक है? हमारे खिलाफ ऐसा घटिया इल्जाम लगाने का सोचेगा भी नहीं। बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। मिस्टेक तो आपसे हो गई है सना साहब, टाइमिंग की। क्योंकि जिस दिन खुशी गायब हुई, उसी दिन आपने मोहल्ले में रोड मैपिंग का काम शुरू करवा दिया। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या लगता है आपको, साजिश है? किसका? हम काम इसलिए शुरू कराए थे काहे कि हमारा पंडित जी बोले थे, शुभ मुहूर्त है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब जगमोहन जी को तो हम मोल भाव करके आज नहीं तो कल मना ही लेते। हम बिल्डर आदमी हैं,
मकान बनाते हैं, किडनैपिंग का मंसूबा नहीं। हो गया बातचीत, अब हम आपका किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको जो भी पूछना हो हमारा वकील के सामने पूछेगा। चलते हैं। हाँ माँ, हाँ नौकरी अच्छी मिल गई है। हाँ हाँ पगार भी बहुत अच्छा है। हाँ बस घर की तरफ ही जा रहे थे। हेलो हेलो माँ, हेलो। अच्छा वह फोन कट गया, मुझसे बात करो। सच कह रहे हो, मेरी लाइफ का नहीं बेस्ट फेज है। भैया कितना हुआ? सर, ये बुड्ढा आया था मेरे पास। ये हमारी पोती है खुशी, तुमने इसे कहीं देखा है बेटी? इसे यहाँ तो नहीं देखा, आसपास में और भी अड्डे हैं, वहां पूछ लो। सब जगह पता की कहीं नहीं मिले। हो सकता है इसे दिल्ली पहुंचा दिया हो। मैं पता देती हूँ तुम्हें वहां के सबसे बड़े बाजार का। कब की बात? कुछ दिन पहले की बात। ओके, आ जाना। बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया। तुरंत दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो। जगमोहन शायद दिल्ली गए हैं और मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। सर, खुशी मिसिंग केस से जुड़ी एक बात पता चली है। बेहतर होगा कि आप दिल्ली जाने के बजाय झारखंड आ जाएं। ऐसी क्या बात पता चली? खुशी की क्लासमेट श्रेया मिश्रा का मर्डर होता है, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन खुशी गायब हुई। पर आप लोगों ने खुशी का केस इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। सर, दरअसल खुशी के दादाजी से हमारी मुलाकात हुई नहीं थी, उन्हें तो हमारा एक कांस्टेबल मिसलीड कर रहा था सर। वो कांस्टेबल आपके थाने का है? जी सर। सो इट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। शेयर मर्डर केस में क्या लीड? सर, शेयर के मर्डर केस में हमारे दो सस्पेक्ट थे, एक स्कूल का स्वीपर प्रकाश कुमार, लेकिन वो कभी हमारे हाथ ही नहीं लगा। दूसरा शेयर के पिता मिलिंद मिश्रा। रोशनी जी सर, ट्रैक डाउन करो इस प्रकाश कुमार को। ओके। मिलिंद मिश्रा रहता कहाँ? सर, दिल्ली से इंस्पेक्टर चौन का फोन था, जगमोहन जी दिल्ली गए थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से वो मुंबई गए। साहब, 6 महीने हो गए हमारी बच्ची श्रेया की हत्या को, लेकिन अब तक यहाँ की पुलिस ने हमारे ऊपर शक करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। मिलन जी, आपका गुस्सा जायज है, मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ। अब ये केस हम हैंडल कर रहे हैं। हमें एक बात पता चली, जिस दिन आपकी बेटी श्रेया का कत्ल हुआ उसी दिन उसकी क्लास की एक बच्ची गायब हुई, खुशी विश्वकर्मा। खुशी विश्वकर्मा? सर, उसने तो श्रेया की जान लेने की भी कोशिश की थी। सर, उसी ने हत्या की है मेरी बेटी की। नीलम, ऑफिस नहीं जाना क्या? कब तैयार होगी? उठ जा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस में कोई बहाना बना देना प्लीज। अच्छा चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके ओके, बाय। थैंक्स। हेलो। हाँ वो चली गई। एक मिनट, ये 3 नंबर वाले स्क्रीन दिखाइए, फुटेज चेक कीजिए उस दिन का। फुटेज में साफ दिख रहा है सर कि उस दिन खुशी स्कूल आई थी, लेकिन खुशी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। लेकिन सर एक बात तो पक्की है, उस दिन जरूर स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था जिससे खुशी और श्रेया दोनों जुड़े। सर, स्वीपर प्रकाश कुमार का पता चल गया है,
निकालना उस चूहे को बिल से। जी सर। बोलता मैडम, बोलता हूँ साहब, बोलता मैडम। बोल, क्या हुआ था सर? साहब, उस दिन एक आदमी आया था स्कूल। ओ भाई, यहाँ आओ। क्या हुआ? अरे गेट खोल दो, उस स्कूल का कुछ सामान आया वो रखना है। भाई ये गेट तो नहीं खुलेगा, और कोई देख लेगा ना तो हमें डांटेगा। सामने से आइए, जाओ। अच्छा सुनो, सुनो ये रख लो, और सुनो अगर कोई पूछे ना तो बोल देना कि प्रकाश सर का सामान था, ठीक है? अच्छा जी, आपका भी नाम प्रकाश है? तुम्हारा नाम प्रकाश है का? अरे ये देखो साले, फिर को पना था? प्रकाश तो तेरा नाम है। सब उसने उसका भी नाम प्रकाश बताया था। आगे बोल। साहब फिर हम अपना काम करने चले गए और अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। गाड़ी कौन सी थी? नंबर क्या था? साहब नंबर तो नहीं देख पाए साहब। रंग तो याद होगा? सब मरून ब्राउन कलर का ऐसा कुछ टेम्पो था साहब। साहब हम बहुत डर गए थे क्योंकि पुलिस आई और ताला और चाबी के बारे में पूछने लगी। इससे पहले हमसे कुछ पूछती तो हम वहाँ से भाग निकले साहब। वो जो आदमी उस दिन स्कूल में आया था उसका स्केच बनवा सकते? जी सर, बनवा सकता। इस टेम्पो वाले प्रकाश का स्केच तैयार होती सारे ट्रांसपोर्टर्स को दिखाओ। चंदन, ये प्रकाश मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। सर। क्या खुशी ने श्रेया को मारने की कोशिश की? ये कैसी बात कर रहे सर आप? मैम ये बात खुद श्रेया के पेरेंट्स ने हमें बताई। श्रेया के पेरेंट्स? हाँ सर, मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। खुशी और श्रेया दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये जो कुछ भी हुआ ये अनजाने में हुआ था सर। श्रेया ये ले, आइसक्रीम। हाँ नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्यों? हमें डॉक्टर ने मना किया है। अरे श्रेया, एक बार खाने से कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत रिस्क है, खा ले। पता है मुझे स्ट्रॉबेरी ना बचपन से पसंद था, बाबा हमारे लिए ना हमेशा ही लाते थे। अच्छा है ना? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ श्रेया? श्रेया क्या हुआ? खुशी ने श्रेया को आइसक्रीम एज अ फ्रेंड दिया था, ना कि उसकी जान लेने के लिए। ये बात श्रेया और खुशी दोनों ने कंफर्म किया था, लेकिन ये बात कोई नहीं समझा, खुद श्रेया के पेरेंट्स भी नहीं। ये लड़की हमारी बच्ची की जान लेना चाहती है। वो तो यही कह रहे थे कि खुशी ने श्रेया को मारने की कोशिश की, इसलिए मैनेजमेंट ने दबाव में आकर खुशी को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया। उस दिन के बाद फिर खुशी कभी स्कूल नहीं आई सर। अगर खुशी को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था तो इतने अरसे तक स्कूल क्यों नहीं आई? शायद उस दिन उसकी बेइज्जती हुई थी, इस वजह से वो स्कूल नहीं आई। और दूसरा रीज़न ये भी है कि खुशी ने काफ़ी मेहनत तक अपनी स्कूल की फीस भी नहीं भरी थी। तो फिर खुशी उसी दिन स्कूल क्यों आई जिस दिन श्रेया का कत्ल हुआ? सर कोई आइडिया नहीं है मुझे। सर स्केच आ गया। अच्छा आप इस आदमी को पहचानती हैं? जी नहीं सर। खुशी मिसिंग केस और श्रेया मर्डर केस जुड़े हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। क्राइम ब्रांच इस केस से जुड़े हर एंगल को बारीकी से स्कैन कर रही थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद क्राइम ब्रांच खुशी के दादा जगमोहन को ट्रेस करने में कामयाब हो पाई। आप लोगों ने पहले ही हमारा साथ दिया होता तो आज हमारी खुशी हमारे पास हो। हम पता लगा रहे हैं, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। आप ये बताइए कि जिस दिन खुशी गायब हुई उस दिन आपने उसके स्कूल में पता किया? स्कूल में क्या पूछते, वो तो कई महीनों से स्कूल गई ही नहीं। लेकिन उस दिन वो स्कूल गई थी और उसी दिन श्रेया का मर्डर हुआ। कहना क्या चाहते हैं आप? मोहन जी मैं जो कह रहा हूँ उसे शांति से सुनिएगा। श्रेया के घर वालों को ऐसा लगता है कि खुशी के स्कूल छोड़ने से कुछ महीने पहले खुशी ने श्रेया को मारने की कोशिश की थी। आइसक्रीम खिलाना जान से मारना होता है क्या? 14 साल की है खुशी और आपने उनकी बात पर विश्वास कर लिया? हम सिर्फ सबूत पर विश्वास करते हैं।
हमें तो ये भी पता चला कि आपके ऊपर अपनी बेटे और बहू को मारने का इल्जाम भी लगा हुआ। ये सच है कि हमारा हमारे बेटे का मनमुटाव चल रहा था, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर हमारा घर छोड़ के चला गया। हम सामान लेके बाहर जा रहे हैं, आ जाइएगा। अगर उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी तो उसका इल्जाम आप पर कैसे लग गया? कार हमारी थी और ब्रेक भी फेल था, और वो शोभा के भाई ने एक और एक मिलाकर 11 कर दिया। नहीं मरवा है ना मेरे देती जीजा को, इतना सब करने के बाद बोलता है कुछ किया नहीं। ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें आपका बेटा और बहू दोनों मारे गए और पोती बच गई? नहीं, हमारी पोती भी उनके साथ मर गई थी। खुशी हमारी अपनी पोती नहीं। खुशी आपकी जिंदगी में कैसी आई? हम तो यही मानते हैं कि भगवान ने खुशी को हमारी बिखरी हुई जिंदगी में खुशी लौटाने के लिए भेजा था। जब से पैदा हुई है ना जीना हराम कर दिया मेरा। खाना गिराएगी तू? खाने गिराएगी नीचे? हमारे घर के सामने एक किराएदार रहता था, उसकी बेटी थी खुशी, लेकिन उसे खुशी से नफरत थी। छोड़ के चले जाएंगे अंदर तुझे। ए रतन, काय को डांट रहा है? अरे चाचा आप मत बोलिए बीच में। खुशी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक लड़की थी, उसके बाप को लड़का चाहिए था, और फिर एक रात खुशी बाहर खड़ी रो रही थी, दरवाजे पर ताला लगा हुआ। हम खुशी को अपने घर ले आए कि उसका बाप आएगा उसको लेकर जाएगा, लेकिन उसका बाप कभी लौट कर आया ही नहीं, क्योंकि उसको खुशी की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद हम कभी अकेले थे ही नहीं। खुशी को हमने अपनी पोती बना लिया, अपनी जान बना लिया। आप खुशी को कैसे भी ढूंढ के ले आइए साहब। हम खुशी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, अब बेफिक्र रहिए। सर, ये जगमोहन जी की कहानी तो इमोशनल है, पर मुझे अभी एक डाउट है। क्या? सर, इनके माली हालत काफी खराब है, ऊपर से इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। खुशी की स्कूल फीस भी पिछले कई महीनों से बकाए थी, कहीं ऐसा तो नहीं जगमोहन जी ने खुशी का सौदा कर दिया हो? नहीं तो फिर श्रेया का मर्डर क्यों किया गया? अगर खुशी का सौदा किया गया तो श्रेया का भी किया जा सकता था। और खुशी पिछले 6 महीने से स्कूल नहीं गई, उसी दिन स्कूल क्यों गई? और जहाँ तक पैसों का सवाल, वो तो जगमोहन जी इस प्रॉपर्टी को बेच के भी हासिल कर सकते थे। चंदन, मुझे लगता है मामला कुछ और है। हाँ रोशनी, बोलो। सर, एक आदमी मिला है जिसने टेम्पो वाले प्रकाश को इस केस से पहचान लिया है। हम ड्राइवर हैं साहब, और कुछ महीना पहले ये आदमी हमारे पास आया था। ट्रक तुम्हारा है का? सेठ का है भैया, हम तो ड्राइवर हैं इसके। अच्छा, कितना कमा लेते हो? 18,000 मिल जाता है महीने का। हम 25,000 देंगे तुमको, हमारे लिए ट्रक चलाओगे? हाँ, काहे नहीं चलाएंगे, जरूर चलाएंगे भैया। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा नाम का है? हमारा नाम जीतू है। का बोले? जीतू, जीतू। अरे अरे कमाल का संजोग है, हमारा नाम भी जीतू है। अच्छा? हाँ। अरे तो आज से जीतू, तुम इस जीतू के लिए ट्रक चलाओगे, ठीक है? इसने अपना नाम भी जीतू बताया? जी सर, और उसके बाद हम इसका टेम्पो चलाने लगे। ये लीची की सप्लाई करते थे। लीची की सप्लाई? जी सर। फोन नंबर है इसका? है सर, पर लगता नहीं है, पिछले महीने से बंद आ रहा है। कोई बात, जो भी आपके पास इसका फोन नंबर है, उसका टेम्पो नंबर, और जिस जिस शहर में आप लीची सप्लाई करते थे, सारी डिटेल दीजिए। जी सर। थैंक यू। रोशन, डिटेल लेवल से। क्या बात है स्मृति, तुम मेरा पीछा कर रही हो? करिश्मा देखो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और नीलम के बीच क्या चल रहा है, बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ। मेरी मानो, नीलम को छोड़ दो। ये मेरा पर्सनल मैटर है स्मृति, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? करिश्मा, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। तुम जाओ यहाँ से,
और मेरे और नीलम के बीच कभी मत आना, समझी? नीलम तुम्हें धोखा दे रही है। बकवास बंद करो, मुझे भड़काने के लिए अगर नीलम के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मुंह तोड़ूंगी तेरा, समझी? करिश्मा तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो मेरे साथ चलो, आई कैन प्रूव इट। सर ड्राइवर जीतू ने जो टेम्पो नंबर बताया वो फर्जी है। सर ये जीतू ड्राइवर टेम्पो को लेकर जयपुर, आगरा, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद इन शहरों में जाता था, लेकिन इन शहरों के किसी भी लीची डिस्ट्रीब्यूटर का ना तो हमारे पास प्रॉपर एड्रेस है और ना ही नंबर। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अलग अलग शहरों में टेम्पो भेज रहा था, पक्का कोई बड़ा जोन कर रहा होगा। राइट सर, कोई ना कोई इलीगल काम ही कर रहा होगा। ड्राइवर जीतू को इसलिए हायर किया होगा कि अगर किसी गलत काम में फंसे तो जीतू फंसे। काफी शातिर आदमी है ये सर। शातिर तो है, जिससे मिलता है उसका नाम अपना लेता। जीतू से मिला तो जीतू बन गया और प्रकाश से मिला तो प्रकाश, जबकि इसका असली नाम कुछ और ही होगा। उस ट्रक के मालिक जीतू और प्रकाश की लीड की तलाश में पुलिस ने कुल 10 से भी ज्यादा शहरों को छान मारा था और उन्हें झारखंड के ही एक छोटे से गांव से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो पुलिस के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होने वाली थी। ये तो दुर्गा प्रसाद है, इत्तेफाक से हमारा नाम भी दुर्गा है। इसी बात से बात शुरू हुई। 4 साल पहले यह हमारे घर आया और हमारी बेटी को शहर लेके गया। लेकिन सर नीलम ने अपनी माँ से कुछ दिनों पहले कॉन्टेक्ट किया, उसने बताया कि वो मुंबई में एक अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन कुछ हफ्तों से सर उसका मोबाइल फिर से बंद आ रहा है। सर ये नीलम की फोटो। हाँ माँ, हाँ नौकरी अच्छी मिल गई है, पगार भी बहुत अच्छा है। सर जब नीलम की अपनी माँ से आखिरी बार बात हुई तब वो मुंबई के सबर्ब मलाड में रह रही थी। सर ये प्रकाश उर्फ जीतू जिन जिन शहरों में अपना टेम्पो बेचता था वहाँ के सभी पुलिस थानों में मैंने इसका स्केच शेयर किया था, उनमें से चंडीगढ़ पुलिस ने कंफर्म किया है ये लड़कियों का सप्लायर है। गरीब घरों की लड़कियों को बेला फुसला कर शहर लेकर आता है और उन्हें बेच देता है। इस प्रकाश उर्फ जीतू तक हमें ये नीलम पहुँचा सकती। इस नीलम के नंबर की डिटेल्स निकलो, मलाड पुलिस से कॉन्टैक्ट करो, इसे ट्रेस करवाओ। डन ना सर, मुंबई चलने की तैयारी करो। इस मिस्ट्री वाले ताले की चाबी ये नीलम है। इस लड़की नीलम की हत्या 5 दिन पहले हुई है और वो भी इसके खुद के घर में। What? किसने किया? हमने इसके हत्यारों का अरेस्ट किया है। मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ। अरे नहीं सर, आप अंदर कैसे चले? खुशी के दादाजी माफ कीजिएगा साहब, हमसे रहा नहीं गया। जब हमें ये पता चला कि आप लोग खुशी को मुंबई ढूंढने आए तो हम भी खुशी को ढूंढने के लिए मुंबई चले आए। जगमोहन जी, हम खुशी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही खुशी को कुछ पता चलेगा हम खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे। साहब आप जल्दी से हमारी पोती को ढूंढ दीजिए, हम अपनी पोती को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, पहचानते हो इस आदमी? 4 साल पहले ये आदमी नीलम को यहां लेकर आया था। ध्यान से देखो। सुमित, चलिए आपको बुलाया। 14 साल की खुशी 7 महीने से गायब और 7 महीने से लगातार ये खुशी को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सब जगह ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। हमें पता चला है कि खुशी को इसी आदमी ने अगवा किया जो नीलम को यहां लेकर आया था। अब नीलम तो यहां है ना करिश्मा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। बेटी हमारी मदद करो, हाथ जोड़ते हैं। मैं इस आदमी को नहीं जानती, पर शायद शेखर जानता होगा। कौन शेखर? नीलम का दलाल। ये इंटरव्यू छोड़ और वापस काम पे आ जा, वरना तेरा ये याराना चल रहा है ना उसका हवाई जहाज बना के उड़ा दूंगा मैं, सब सच बता दूंगा उसे। नीलम मुझे धोखा दे रही थी, प्रोस्टिट्यूशन करती थी वो, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो एक धंधे वाली है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैं भी करिश्मा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे और करिश्मा के बीच वो नीलम आ गई थी और मुझे पता चल गया था कि नीलम करिश्मा की गैर मौजूदगी में उसी के घर में धंधा कर रही थी। तू इस वक्त बीमार थी ना तुम? ये है तेरी बीमारी? करिश्मा मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, मेरी बात सुन। मत छू मुझे,
करिश्मा, करिश्मा देख, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। प्लीज समझने की कोशिश कर, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। कहाँ मिलेगा शेखर? सर, ना इसका नाम जीतू है, ना प्रकाश और ना ही दुर्गा प्रसाद। सर, इसका नाम सुनील है, सुनील दुबे। सर, ये लड़कियों का सप्लायर है। हाँ साहब, अरे हमें झारखंड से लड़कियां लाकर अलग अलग जगह भेजते थे। वो कहा है ना साहब के गरीबी और भुखमरी कुछ भी करवा सकती है, इसलिए हम ऐसे परिवार चुनते थे और उनको काम और पैसे का लालच देते थे और उनको कुछ पैसे देकर लड़कियों को अलग अलग जगह सप्लाई कर देते थे। साहब हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते थे, मेकअप, कपड़े, अंग्रेजी बोलना सब सिखाते थे ताकि वो ऐसा हाई क्लास लगे। कभी कभी कुछ लड़कियां भागने की गलती करती थी साहब, फिर उन लड़कियों को ऐसी सजा देते थे कि बाकी की सारी लड़कियां अपने दिमाग से भागने का ख्याल भगा देती थी। तूने खुशी को स्कूल से उठाया था, ये तेरा तरीका नहीं, इस कहने पर उठा था। बोल, बोल, बोल। खुशी को किसके कहने पर किडनैप किया? बोल। साहब, केशव के। कौन केशव? साहब, जगमोहन की बहू शोभा का छोटा भाई केशव। आप केशव को पूरा यकीन था कि जगमोहन बुड्ढे ने ही गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। और वो ये भी समझ गया था कि वो जगमोहन को कानून के रास्ते सजा नहीं दिलवा पाएगा, तब इसीलिए उसने हमको फोन किया। सजा दीजिए हमको, सजा दीजिए, लेकिन उससे पहले वो जगमोहन को फांसी पे लटकाइए। वही कातिल अपने बेटे का, हमारी बहन का गुनहगार है वो। नफरत की आंखों से देखेगा ना तो सब कुछ गलत दिखेगा तुझे, समझ में आए? पुलिस ने इस रैकेट में शामिल लोगों की निशानदेही पर नेशनल लेवल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और तकरीबन 2000 से ज्यादा लड़कियों को इस तस्करी के नर्क से बचाया। उनमें से एक लड़की खुशी भी थी। 8 महीने बाद खुशी अपने दादा के पास लौटी। नहीं, छूना मत हमें, आप ही नहीं भेजा था आपको वहां पे। खुशी बेटा, आपको किसने कहा कि आपके दादा ने आपको भेजा था? जिन्होंने हमें कैद किया हुआ था। बेटा वो सब के सब झूठ बोल रहे, बल्कि सच तो ये है जब से आप गायब हुई हो आपके दादा आपको लगातार ढूंढ रहे हैं और अगर आज आप यहाँ हो तो सिर्फ अपने दादा की वजह से। लड़कियों की तस्करी के इस रैकेट से जुड़े लोग शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते, लेकिन खुशी के दादा जगमोहन ने जो हिम्मत दिखाई अपनी पोती को घर वापस लाने के लिए, जिस तरह वो सिस्टम से जूझते रहे, उन्हीं की बदौलत ये खुशी मिसिंग केस रोशनी में आया और आखिरकार सॉल्व हुआ। मानव तस्करी हमारे समाज का एक घिनौना सच है और इसके पनपने की कई वजह हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी वजह है गरीबी। और इस रैकेट को चलाने वाले गिद्ध ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अक्सर पैसे और बेहतर जिंदगी का लालच देकर वो गरीब माँ बाप के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर मानव तस्करी पर काबू पाना है तो उसके लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे आना होगा। हम सबको एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बनकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हमारे बच्चे एक महफूज जिंदगी जी पाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.